स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान का फाइनली दोबारा आमना सामना हो गया और आमना सामना बहुत ही डेंजरस था। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि सभी अपने ब्रिलियंट दिमाग से और अपने इंटेलिजेंस से कैसे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेगी। सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर वो भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेगी। चैनल पर एक प्रोमो चल रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि सभी आंखों में ग्लेयर्स लगाकर पूरे एटीट्यूड के साथ एक क्लास में एंटर करती है। सभी के स्वैग को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक स्टूडेंट है और वो जैसे ही क्लासरूम में जाती है उसमें से एक स्टूडेंट सभी से कहता है कि मैम हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप प्लीज़ इसे सॉल्व कर दीजिए। सभी बिना कुछ कहे सीधा ब्लैक बोर्ड पर जाकर मिनटों में वो क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। बच्चे देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं कि जिस क्वेश्चन के लिए उनको इतना टाइम लग गया उसको सभी ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। और वो कहती भी है कि इतना आसान सवाल तो था, इसमें क्या दिमाग लगाना। जैसे ही वो अपने चश्मे हटाती है स्टूडेंट उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं आप तो हमारी प्रोफेसर नहीं हैं, कौन हैं आप। ये सब पीछे खड़े ईशान और उसके पापा शांतनु भी देखते होते हैं। ईशान भी देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट थर्ड ईयर के क्वेश्चन को कैसे मिनटों में सॉल्व कर देती है। शांतनु ईशान से कहता भी है तुमने देखा क्या, ये देखने के बाद भी तुम सभी को अपने कॉलेज में नहीं रखना चाहोगे। कैसे मिनटों में इस लड़की ने अपने से एक क्लास ऊपर का सवाल सॉल्व कर दिया। ईशान भी सोच में डूब जाता है कि ये लड़की इतनी ब्रिलियंट कैसे हो सकती है, और अगर ये इतनी ब्रिलियंट है तो मैं इसे रिजेक्ट किस बेसिस पर करूं, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट को इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना भी इंस्टीट्यूट के लिए गर्व की बात होती है। क्या ये सब देखने के बाद ईशान अपना मन बदल देगा और सभी को अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे देगा। इसका जवाब भी हाँ है, सभी इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगी। अपनी काबिलियत के दम पर जैसा कि उसने ईशान को चैलेंज किया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।